मेरा कहना है कि अंततः ये तकनीक अंततः इस पूंजी का वर्चस्व पे आ जो बाजारीकरण की प्रक्रिया है जो ग्लोबलाइजेशन की पूरी प्रक्रिया है वो बहुत पुरानी है वो लगातार चली जा रही है जब अंग्रेज भारत में आए तो भी ग्लोबलाइजेशन का एक रूप था और अगर अब जो हमारे तमाम छोटे छोटे शहरों तक जो ब्रांडेड आउटलेट पहुंच गया है वो भी ग्लोबलाइजेशन का एक रूप है वो ग्लोबलाइजेशन लगातार जा रहा था जारी था और तकनीक के इस वर्चस्व के समानांतर एक कोशिश ये भी चल रही है कि कैसे इसको चुनौती दी जाए जैसे विंडोज को कैसे चुनौती दी जाए गूगल को कैसे चुनौती दी जाए कैसे ट्विटर और फेसबुक के पैरेलल मतलब जैसे बिजली की लाइनें होती हैं वैसे आपके लिए कैसे ऐसी व्यवस्था की जाए तकनीक इस पे भी काम कर रही है इस पे भी इसका दिमाग चल रहा है उससे आपको बहुत उम्मीदवान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंततः ये सब माध्यम ही है जो चीज है पलटनी आपको है जो लड़ाई लड़नी है आपको है लड़ाई में आपके पास पत्थर भी होगा एटम बम भी होंगे आपके पास पुरानी पैम्फलेट भी होगी नया इंटरनेट माध्यम भी होगा अब वो जितना ताकतवर होगा दोनों के पास इस्तेमाल की उतनी ही छूट होगी बस इस फर्क के साथ इसमें जो साधन आपको लगा करते थे बड़ी पूंजी के उद्यम के लिए वो आपको नहीं लगते हैं वो आप बड़ी आसानी से जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं इत सिर्फ इत्तेफाक है कि कोई इसका यहाँ फेसबुक लाइव नहीं कर रहा है नहीं तो आजकल तमाम आयोजनों में फेसबुक लाइव की व्यवस्था होती है पता चलता है इसको 100 लोग यहाँ देख रहे हैं और 5000 लोग बाहर देख रहे हैं तो जो हम लोगों में कोई भी एक मोबाइल से काम कर सकता है तो ये जो चीज है तकनीक अंततः आपको एक सहूलियत दे रही है फिलहाल उसी की बात कर रहे हैं उसके जो पॉलिटिकल उसके जो बड़े सवाल है वो तो हमारे सामने चुनौती की तरह खड़े हैं जो मैं कह रहा था कि पोस्ट ट्रूथ एज है ट्रंप की जीत में झूठ का हाथ रहा जिस हम सब मानते हैं कि 2014 में लेकिन वो 2014 क्या उसके पहले भी रहा है मतलब मेरे लिए चिदंबरम का नक्सलवाद विरोधी एजेंडा और राजनाथ सिंह का नक्सलवाद विरोधी एजेंडा दोनों एक है मतलब जो वो कहा करता है कांग्रेस प्लस काउ इस बीजेपी तो हकीकत वही है हमारे लिए अगर आप उस स्तर पे जाए तो वहां दोनों में कोई अंतर नहीं है हम लोग बहुत अच्छे और बहुत बुरे के बीच या कम बुरे और ज्यादा बुरे के बीच चुनाव का जो मन बहलाव करते हैं वो हमारी चुनौती है वो बनी रहेगी मैं बोल रहा हूँ कि लड़ने के तरीके जो हमारे सामने सुलभ हैं, जो अक्षर से लेके इंटरनेट तक तरह तरह के औजार अवेलेबल हैं, उसमें सिर्फ यही संभव है कि अभी आपको जो स्वायत्तता मिल रही है जो सुलभ है आप उसका इस्तेमाल करें और उसको ज्यादा से ज्यादा इस बहस को भी सामने लाने की कोशिश करें कि इस दबदबे को कैसे तोड़ा जाए और देखें कि उसका क्या स्पेस अपनी जनतांत्रिकता के विस्तार में हो सकता है कि इसको लेके कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए कि इसके ऊपर कब्जा किसका है इसका मालिक कौन है आई मीन व्हाई सो मच फस अबाउट इट बिकॉज़ एवरीबॉडी नोज कि कौन मालिक है एवरीबॉडी नोज कि किसका कब्जा है कौन उसको चला रहा है किसके हाथ में इकोनॉमी है कौन पूंजीपति है कौन सारी चीजें डिसाइड कर रहा है और किस बड़े लेवल पे वो प्लान होता है वो ये तो मतलब ये इतना ऑब्वियस है कि इसको लेके हम बार बार उसी सवाल की जलेबी बनाते हैं और उसी की दिस इज नॉट भूपेन लाइक पिछले 20 साल से यही बात बोल रहे हैं और हर आर्टिकल में यही बात लिख रहे हैं इट विल नॉट टेक एनीवेयर हम लोग ऐसे बूढ़े हो जाने वाले हैं यही बोल बोल के और खत्म हो जाएगा हमारे बच्चे ना हमको हरी बातों पे कुछ ध्यान भी नहीं देने वाले कि ये तो ऐसे ही बोलते हैं सो आई मीन रियली थिंक समथिंग डिफरेंटली अगर बदलना भी है तो थिंक डिफरेंटली थिंक क्रिएटिवली वॉट एवर मीडियम हैज बीन गिवन टू यू इंटरनेट और फेसबुक और वॉट एवर उसका कैसे अपने तरीके से अपने उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है जैसे एक छोटी सी बात लाइक वी बी टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट औरत की आजादी अच्छा मैगजीन को निकालते हैं तो उसपे तो हमारा मालिकाना हक है हम निकालते हैं हमारा विचार है हम जैसे चाहे छापे उसकी इकोनॉमी हम तय करते हैं हमारे लिए जगह है उसमें नहीं है औरतों को आजादी किसने दी बाजार ने दी ग्लोबलाइजेशन ने दी क्यों दी मार्केट को भाई और वर्क फोर्स चाहिए तो औरतें घर से बाहर निकलो काम करो तो वो औरत घर से बाहर निकल के जब काम करेगी और उसको महीने के अंत पे सैलरी मिलेगी दैट मनी विल एम्पावर हर तो ग्लोबलाइजेशन बहुत खराब है मल्टीनेशनल कंपनियां बहुत खराब है इकोनॉमी बहुत खराब है लेकिन वो औरत को आजाद कर रही है बाजार ने औरत को एक लिमिट तक आजाद किया तो हर चीज का एक पक्ष होता है राइट पूंजीवाद आई एम नॉट डिफेंडिंग पूंजीवाद वो तो है उसका प्रॉब्लम है लेकिन
समाज के बदलने का, उसके विकास का जो क्रम है, जिस तरह से सारी दुनिया में चीजें चल रही है वो वैसे ही बदलेगी। हम यहाँ बैठ के कॉर्पोरेट को गरियाएंगे उससे ठीक नहीं हो जाएंगी। सो इफ यू वॉन्ट टू चेंज द सिस्टम भूपेन एंड एवरीबडी लाइक थिंक डिफरेंटली, स्टॉप जस्ट क्रिटिसाइजिंग कि ये बहुत खराब है वो। ह्यूमन नेचर ब्रेक की कविता है जो हम सब ने पढ़ी हुई है कि वो टैंक बहुत मजबूत होता है लेकिन उसमें ये नुकसान आखिरी में बोलता है कि इंसान में एक नुकसान की वो सोच सकता है। तो सोच सकने की जो हमारी ताकत है वो हर चीज के दोहरे इस्तेमाल के लिए एक गुंजाइश निकालती है। अंग्रेजों ने हमें पढ़ाया तो हमने अंग्रेजों को बाहर कर दिया। 1857 में जो स्कूल शुरू हुए तो 1857 की क्रांति हुई, दलितों का विद्रोह हो गया, बहुत सारी चीजें एक साथ हुई। तो वो जो एक लोकतांत्रिक द्वंद्वात्मकता है वो हमारे दौर में अपने चरम पे है। एक बात आपको भीतर की बताता हूँ, जितना द्वंद आप समझ रहे हैं इंटरनेट और प्रेस और टीवी में उतना वो है नहीं। मैं आपको बताता हूँ, रोज जो सुबह हम लोग अखबार तैयार टेलीविजन चैनल तैयार करते हैं वो सुबह का अखबार देख के करते हैं और अखबार वाले क्या करते हैं शाम का टीवी चैनल देख के तैयार करते हैं और दोपहर की खबरें हम लोग ऑनलाइन मीडिया से लेते हैं। तो आप अचानक पाएंगे टीवी पे 3 दिन पुरानी खबर चल रही जो अखबार ने 4 दिन पहले छाप दी थी और आप ये भी देखेंगे उसको तो टीवी पे 4 दिन पहले देखा था अखबार में आज दिख रही है। तो एक तो ये है, मैं नहीं मानता हूं कि सूचनाओं का बहुत ज्यादा प्रवाह हो रहा है। हम लोग सूचनाओं की बाढ़ में डूबे हुए हैं, पीने लायक पानी नहीं मिल रहा है। सूचनाओं की जो छटाई है वो नहीं हो पा रही है। जो किसी ने कहा कि जीके बढ़ गया है, मैं जब मैं छोटा था तो बहुत इस बात पर गुमान करता था कि मुझे अपने पहले प्रधानमंत्री से लेकर मोरारजी देसाई तक सबका नाम याद है, मेरे बेटे को कुछ नहीं पता है और मेरी पीढ़ी मेरे उस बच्चे की पीढ़ी के बाकी बच्चों को भी नहीं पता है। उनके लिए शायद जीके ज्यादा मैटर नहीं करते, वो फोन की तरह तरह कि किसने आपको बता देंगे जो आप उस समय नहीं जानते थे। तो ज्ञान के स्तर, ज्ञान के मतलब अचानक ज्ञान कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत रेडीमेड किस्म का है, ये इसका खतरा है। वो खतरा भी पहले से चला आ रहा है। हमको कम्युनिज्म भी रेडीमेड मिल जा रहा है, कैपिटलिज्म भी रेडीमेड मिल जा रहा है, स्त्री विमर्श भी रेडीमेड मिल जा रहा है। हम अपने अनुभव से अपने संघर्ष से कुछ अर्जित नहीं कर रहे हैं। ये एक बड़ा खतरा है जो हमारे लेखन में हमारे अनुभव संसार में भी दाखिल हो रहा है इंटरनेट की इस दुनिया में। और ये खतरा पहले से चला रहा है, अचानक ये रातों रात पैदा हुआ खतरा नहीं है, क्योंकि सारे खतरे असल में मनुष्य के ही खतरे पैदा किए हुए, उसको दूर करने के उपाय को वही ढूंढता है। तो मेरा ख्याल है कि हम एक नई दुनिया में इस नए दौर में है और इसकी चुनौतियों को भी देर से देर समझेंगे। इतना ही कहें।